वो काफी लोग है, पार्टी शार्टी चल रहा है। फिर कैमरा अभी बंद कर दिया था, फिर से अभी ऑन कर रहा है क्योंकि फोन समझ पास फोन रहा क्या का दिख गया थोड़ा कलर, येलो येलोइश कलर। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग। आज संडे और मैंने सुबह उठने का मेरा प्लान था 5 बजे, और मतलब 5 बजे मैं ऑलमोस्ट उठा था, फिर फ़ोन को चार्जिंग लगा दिया। मैं सोचा और थोड़ा 10 मिनट सो जाता हूँ। वो जब सो गया था ना, कुछ अलग ही सपने में मैं खो गया था। मतलब कुछ अलग ही सपने देखा। मतलब ऐसा होता है जब मैं जिसको लेके जाने वाला था राइड पे, आज जो मेरा साथ आने वाला, तो मुझे कॉल पे कॉल कर रहा था। जब फिर फ़ोन उठा के जब चेक किया तो हाँ भाई उठ गया हुआ अभी। जब टाइम देखे तो 6:30, मतलब 1.5 घंटा हो चुका है। निकालने वाले थे 6 बजे पर मैं उठा 6:30 बजे, अभी 7 बज रहा है। तो ऑलमोस्ट हम लोग 1 घंटा तो कैसे भी लेट है। कहाँ जाने वाले तो डिसाइड हो चुका है, पर देखते हैं वहाँ जाता है और कहीं और जाता है। वैसे राइड पे अकेला जाने वाला था मैं, क्योंकि नेक्स्ट संडे दूसरा राइड बनने वाला है। थोड़ा लॉन्ग बनने वाला है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं, बस थोड़ा बहुत लॉन्ग बनने वाला है। तो इसलिए ये संडे कोई नहीं आने वाला था, सिर्फ मैं अकेला जाने वाला था। तो बस एक मेरा दोस्त था, बोल रहा है अरे भाई मुझे हाँ बताओ कहीं राइड पे गए तो लेके चल, हर वक्त तू ही जाता है, कभी मुझे लेके चल। तो अभी उसको लेके जा रहा हूँ, वो मेरा घर पे आके बैठ चुका है। तो प्रणव यहाँ पे है, प्रणव भाई बोल दे। फर्स्ट टाइम आ रहा शायद व्लॉग में, कभी इसको नहीं लिया बता, कभी ऐसा मौका नहीं मिला आने का, बचपन का दोस्त है। बस दोनों का भी निकलने वाले, ऑलमोस्ट रेडी सेट टू गो संडे मॉर्निंग राइड। जल्दी जाने वाला था, थोड़ा बुरा लग रहा है, कोई नहीं चलता है, चलो अभी जाते हैं। कैमरा में मिलता हूँ। जय बजरंग बली। चलो तो गाइस, राइड का शुरुआत हो चुका है। पहले अपन डाल लेते हैं पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल का कोई झंझट नहीं होना चाहिए। टाइम हो रहा है 7:18, बस गाड़ी निकलते निकलते लेट हो चुका है। बस सब तैयार है, ऊपर देखो सनराइज हुआ है, कितना धूप गिर रहा है तो कितना मज़ा आ रहा है। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं सिंगूर डैम, ठीक है ना? अभी भी कंफर्म नहीं है, मतलब समझ लो 80% 20% कंफर्म हो चुका है सिंगूर डैम जाने के बाद। वाइजर लगा लेते, ठंडी लग रहा है। तो कंफर्म तो ऑलमोस्ट हो चुका है सिंगूर डैम जाने वाले थे। मुझे क्या है, सिंगूर डैम यहाँ से कितना है, मतलब 65 किलोमीटर से जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे जल्दी जाइए जल्दी आने के, क्योंकि मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है और फिर कल रिलीज भी करना है। तो इसी हिसाब से थोड़ा जल्दी जाके मेरा जल्दी आने का प्लान था, 6 बजे आने का प्लान था, पर हो गया लेट हो गया। और अब मेरा अकेले जाने वाला था, अब मेरे साथ में प्रणव है, बस दो जने जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा आज के ब्लॉग में। पिछले संडे कहीं पे नहीं गया हो, जैसा कि बताया था कि हर संडे बस राइड को जाऊंगा, पर हर संडे ले जा रहा हूँ राइड पे, मतलब एक संडे तो बीच में मिस ही हो जा रहा है। धीरे धीरे क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग आदत डाल रहा हूँ। शौक जो है ना, और शौक जो है ट्रैवल करने का, उसे पूरा फुलफिल करने का। ट्रैवल में बहुत कुछ सीखने मिलता है। चलो, ट्रैवल ऐसा नहीं होता कि आप बाइक पकड़े और निकल गए गए, ठीक है ना? बहुत कुछ सीखना पड़ता है, जैसे कि मतलब अच्छा एक्सपीरियंस बढ़ो, फिट रहो। एक बार पूरे फिट हो जाएंगे ना, अपना पूरा आदत हो जाएगा ना ट्रैवल का, जब देखो कि रेगुलर हो गया ट्रैवल, जब टाइम मिले बाइक पर निकल जाओ। तो पेट्रोल भरा चुके, टैंकी फुल, मज़ेदार। और अभी मल्लमपेट से आए, अभी रिंग रोड से जा रहे, अपन जाएंगे उत्तंगी होके, यहाँ से पीछे जाएंगे क्योंकि वो सदर से पेट जाने का है। उसके बाद अपन पहुँच जाएंगे सिंगूर डैम। तो फाइनल हो चुका है, सिंगूर डैम जा रहे हैं। और सामने अंटार्कटिक ही खड़ा है, ओके रेस एडिशन है होता है। कार के जो मजे हैं वो हम
ऑलरेडी गोवा जाके कर लिए 650 समथिंग ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स कार के अंदर अपने दोस्तों के साथ रहना, वो एंजॉयमेंट ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस हो चुका है। चंडीगढ़ से कार तो नहीं है, सिर्फ 400 किलोमीटर समथिंग है, 400-420 के बीच में रहना। बस वही क्या कोई मजा लेना इतना दूर का। देखो जोर से काम है, जोर से काम है मतलब क्या बोलते हो, मतलब क्या है, क्या मेहनत है, मतलब दिक्कत हो रहा है उसी चीज में लास्ट में आखिर में मंजिल में वो आपको मजा आएगा। बाइक में जाना थोड़ा दिक्कत होगा, मतलब काफी लोग मतलब अपने पूरे गैंग आएगा, अपने दोस्त आएंगे पूरे, तो काफी लोग को इतना लॉन्ग जर्नी मतलब वो मेरा भी पहली बार होने वाला है इतना लॉन्ग, मतलब मैं कर लूंगा, आई हैव कॉन्फिडेंस। तो अभी वही बाकी लोगों का बॉडी पेन होता, लोअर बैक पेन होगा, पहले पहले बार टाइम लगेगा ना, तो वही पर होगा बॉडी पेन भी होगा, पर मजे और दुगना आएगा, डबल आएगा मजा ये बाइक में राइड करना। अरे यार कहाँ है हम लोग, सदासीपेट, सामने एक 3 किलोमीटर के बाद राइट चल जाना है, अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। और 20 किलोमीटर है, जस्ट बॉडी स्ट्रेच करने के लिए रुके और इंस्टा पे स्टोरी नहीं लगाया था, स्टोरी पे लग गया। थोड़ा सनलाइट गिर रहा है ना, थोड़ा सुकून मिल रहा है, थोड़ा गर्म फील लग रहा है। पहले खाने का है, टिफिन करने का है, सुबह कुछ नाश्ता नहीं किया हूँ, नाश्ता करने के बाद मज़ा। ये है मुंबई का हाईवे रोड है एंड समथिंग कुछ रोड का नाम क्या था, मुंबई हाईवे है ये तो फिलहाल, मैं अभी मैप में देखा हूँ। मजा, चलो बस आगे निकलते, चलो भाई। बस सामने आए जो आपको राइट टर्न जैसा बता रहा था सदासीपेट का, तो यहाँ से अभी टिफिन शॉप था, बस अभी खा रहे, ऑर्डर दे दिया डोसा, सेम ऑर्डर दिए। सनलाइट पीछे से इसलिए थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, अभी अच्छा दिख रहा होगा। तो करेक्ट रोड के बाजू में सनलाइट भी गिर रहा है, बाहर है तो अभी बहुत मज़ा आ रहा है। अभी बस ऑर्डर दिया, आने के बाद खाते अभी निकल जाता है। यहाँ से कितने किलोमीटर, 20 रहा था, हाँ यहाँ से 20 किलोमीटर है, उसके बाद पहुँच जाएंगे। उसके बाद दाको आपको डायरेक्ट डेस्टिनेशन में दिखाता हूँ क्या है हालचाल। डोसा आ चुका है, सदासीपेट आया, थैंक यू। और एक आने का है, मुझे काफी पसंद है, मतलब ऐसा सिंगल रोड रहता है, पूरा खेत ये देखो यहाँ पे भी चल रहा है पूरा तैयार, मतलब कुछ टेंशन नहीं है, एक अलग ही मतलब ऑक्सीजन मिलता है, फुल मजे, अलग ही वाइब है। और यहाँ पे रोड भी एकदम साफ सुथरा रहता है, देखो कितना नेचर देख रहे, वाओ। जब अनंतगिरि हिल्स जाते हो ना, तो अनंतगिरि हिल्स जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग में आप देखे हो, उसका भी सेम ऐसे सिंगल लेन रोड रहता है पूरा, मतलब फॉरेस्ट फॉरेस्ट टाइप दिखता है, अलग ही दुनिया में जैसा आगे दिख रहा है। यहाँ से 16 किलोमीटर है, बहुत जल्द पहुँच जाएंगे, उसके बाद आपको व्यू दिखेगा। एक्शन कैमरा अभी बंद कर दिया था, फिर से अभी ऑन करा, क्योंकि क्योंकि ये नज़ारा देखो यार, अरे बहुत दिन के बाद लोटस देख रहा हूँ, मतलब आखिरी बार गांव में ही देखा था, हैदराबाद में उतना ज़्यादा कभी देखा ही नहीं होता, क्योंकि अपन वो सिटी में रहे तो कहाँ दिखेगा यार, लोटस देखो वाह खूबसूरत है, छोटा सा फील है, नदी है, ये ट्री देख रहे मस्त है, ऐसा रोड भी है अलग है, लोटस देखो सनफ्लावर, सनफ्लावर नहीं मैरीगोल्ड, वाओ। पे
छोटा ब्रिज वहाँ दिख रहा है, सामने ब्रिज है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यही ब्रिज है क्या? नहीं 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 सारे लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको तकलीफ दिया, ये वो ब्रिज नहीं है, पर ये है, ये कनेक्ट होगा कहाँ तक। भाई यहाँ के लोकल वाले गए थे तो उनको पूछा हम लोग कि वो रोड जो है ना वहाँ से जा सकते थे डैम के ऊपर, डैम के ऊपर अलाउ नहीं है, डैम कैसे बंद है, पर वो डैम का जो गेट तक है ना बस वहाँ तक जा सकते थे, पर वहाँ पर रोड बंद है, जा नहीं सकते वहाँ अगर देखेंगे। और ये जो रूट में हम लोग जा रहे हैं डैम का नीचे जा सकते हैं दूसरी तरफ से, तो हम लोग को डैम पूरा दिखेगा, नीचे से ऊपर दिखेगा, ठीक है ना। तो ये एक रोड है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं, अगर अगर डैम दिखने का कोई चांसेस मिले तो फिर अगर डैम भी है वापस आएंगे, वापस हम तो यहाँ से ही जाने वाले हैं तो वापस आके देखते जाएंगे। लुक एट दिस ब्यूटीफुल डैम यार, डैम आपको दिख गया है, हमें भी दिख गया है। काफ़ी लोग यार रुके हैं बिकॉज फोटो सेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेमोरीज बनना यार। वाह वाह वाह, क्रैक। डायरेक्ट बीच में रुकते हैं, तो सामने रुकेंगे। ओके ओके, और थोड़ा और थोड़ा, ये सामने आदि। सिंगर डैम देखा था, ए फोन संभाल के, कैमरा ऑन है ना, ब्लू लाइट चल। वाओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, वो साइड क्या, वो साइड भी देख लेते एक बार, यहाँ पे रोड संभाल के जाओ। अरे भाई साहब खाली, बाबा मुझे इसे लीजिए, बहुत डर लगता है देख ले पर मजा आता है। ओह लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली सिंगूर डैम आ गए, पीछे झलक भी दिख चुका है, डैम के ऊपर नहीं है पर डैम हम लोग का सामने एग्जैक्टली, और डैम थोड़ा ओपन है, पानी भी थोड़ा फ्लोर है, आपको दिखाऊंगा अभी सामने व्यू, तो देखो। तो पहले आपको नीचे दिखा दे, तो ओ भाई साहब डर लग रहा है कहीं फ़ोन स्लिप ना हो जाए। आप देखो फ़ोन में बहुत छोटा दिख रहा है, थोड़ा जूम कर ले तो देखो, पानी अभी भी चल रहा है, बीच में थोड़ा ज़्यादा ओपन है, फ्लोर है पानी, इसको ऊपर जाने का रास्ता देखना पड़ता, और वहाँ पे जो नीचे जो काफ़ी लोग है वहाँ पे भी जाना, वहाँ से फोटोस अच्छा आएगा, देखते कैसे जाते, ऐसा भी बढ़िया है, यहाँ पे काफ़ी लोग भी है फोटोज जो खींच रहे हैं, यहाँ पे भी पीछे भी देखो व्यू कैसा। पहले यहाँ पे पानी सूख गया था, बहुत कम था पानी, अभी पूरा भरा भरा से, क्योंकि बारिश का मौसम अभी गया है इसलिए पानी पूरा भरा भरा है। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, देखेंगे अगर वहाँ ऊपर वो गेट, डैम के ऊपर नहीं जा सकते पर वो स्टार्टिंग गेट तक तो जा सकते हैं, देखते अगर पॉसिबल है कि नहीं। बाकी मज़ेदार, आने वाले थे डैम आ गया, संडे मॉर्निंग राइड भी हो चुका है, बस फ़ोटोज़ ले लिए, अभी कोशिश करते कि वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे असली व्यू आएगा, ऊपर वहाँ स्टार्टिंग में जाएंगे या नीचे तो भी जाएंगे, देखते मैप को फॉलो करके अगर कहीं सामने जा पाते कि नहीं। और रोड पूरा खाली है, अपना ही चाहिए अभी रोड, और खूबसूरत है ये मंजिरा वाटर का डैम है, डर लग रहा है ऐसा। मज़ा आ रहा है, माइक जाके आपको थोड़ा साउंड सुनाए, आप सही है, चलो रनअप, ओके लेट्स गो। गाना बंद कर रहे, कॉपीराइट आता फिर से, पहले मेरा पिछले वीडियो में कॉपीराइट लग गया था, नॉन कॉपीराइट का म्यूजिक लगाया था, नहीं पता कॉपीराइट कहाँ से लग गया, अभी तक उसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉपीराइट लगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि वो कॉपीराइट ना लगे, फिर वो केयरलेस हो गया तो कुछ फ़ायदा नहीं है, निकल सकता हूँ कॉपीराइट दूसरे म्यूज़िक लगा के, पर जान दो कुछ नहीं है अभी तो, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो कोई दिक्कत बात नहीं, कुछ पैसे आएगा नहीं किसको जाएगा भी नहीं। चलो फिर अभी जाते आगे, व्यू देख लिया, अभी सामने कुछ दिखाए तो दिखा दो एक बार सामने, और एक बार देख लो। ये है मार्केट, और देखो ऊपर है, ये है मार्केट, सामने में वो व्यू दिख गया, ऊपर जा सकते थे, किसका ऊपर घूम के आएंगे, तो यहाँ से कुछ प्लेस है ऊपर जाने का, एक बार ऊपर जाके देखते हैं कैसा है, उसके बाद वो पार्क आने जाएंगे, जौन सा सिंगूर का पार्क है, वो पार्क से नीचे से व्यू दिखेगा डैम का बहुत नज़दीक से, फिलहाल तो अभी ऊपर जा रहे हैं, वहाँ कुछ वो लोग मछली वो सब बेच रहे, सांस फूल रहा है क्या भाई,
तो देखो पूरा कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको कैमरा में, मतलब यहाँ से देखो पूरा ब्लू ब्लू, बहुत दूर दूर जैसे समुंदर जैसा दिख रहा है। समुंदर नहीं, वो एंडिंग मेरे को दिख रहा है पूरा, तो समुंदर नहीं बोल सकते इसको। पूरा पानी फुल है, आप कैसा था व्यू? और काफी यहाँ पे पूछे एक भैया को कि डैम यहाँ से जा सकते करते, देखते अभी कैसा दिख रहा। मस्त, एकदम मस्त। चलो अभी सामने जाते हैं। तो अभी आ गए पार्क का अंदर, काफी लोग हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं। यही है क्या? हाँ हाँ है पार्क। हाँ यही चे। चलो पार्क का अंदर जा रहे हैं अभी, और डैम बहुत नजदीक से हम लोग को दिखने वाला है, मजा आ रहा है। वो 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 काफी लोग है, पार्टी शार्टी चल रहा है। देखो आगे। हाँ तो देखो आगे डैम अभी कितना नजदीक दिख रहा है, वहाँ पे ऊपर कितना कैसे दिख रहा था, वहाँ पे ऊपर मतलब वो देखो ब्रिज, ब्रिज का ऊपर से फोटो निकले। यहाँ पे आगे ब्रिज से ये प्लेस दिखा रहे थे, काफी लोग है मछली पकड़ रहे, व्यू भी अच्छा है यहाँ से। तो टाइम लैप्स कैसा था देख लिया, और यहाँ पे पीछे देखो काफ़ी सारे छोटे छोटे मछली। और आपको एक अच्छा चीज़ दिखाओ, अगर कैमरा में वो दिखे तो अच्छा है। देखो तो इसके अंदर थोड़ा अच्छा ध्यान दो, आपको दिखेगा। शट नहीं दिख रहा है, इसके अंदर केकड़ा है, वो अभी भी देख रहे हैं। वो ऊपर था वो मुझे देख के अंदर भाग गया है, शूट करने भूल गया था। इसका अंदर है देखो, नहीं दिख रहा होगा यहाँ से। हाँ है केकड़ा वहीं जे, पर कैमरा में वो नहीं दिख रहा है, अंदर थोड़ा ब्लैक दिख रहा है। बहुत बड़ा केकड़ा है पर वो से पत्थर आएगा। नहीं नहीं छोड़ दो, बहुत बड़ा केकड़ा है। हाँ तो प्रणाप कुछ पत्थर हटा रहा है। निकल निकल। ओके ओके आप देखो, देखा दिख गया थोड़ा कलर, येलो येलोइश कलर। हाँ वही चाहिए केकड़ा, सही है। तो देखो भाई लोग कितना मछली है, देखो छोटा छोटा मछली है देखो। यहाँ पे देखो मछली पकड़े, सांप का टाइप मछली है। हो गए गाइस, यहाँ पे पूरे काम फिनिश, काम खत्म। व्लॉग कैसा लगा जरूर मुझे बताना, लाइक करके, और अच्छे से बताना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। बस अभी कुछ नहीं है, अब जा रहे हैं घर। रास्ते पे कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो दिखाऊंगा आपको ज़रूर, जैसे कि हर बात बताता हूँ, पर कुछ इंटरेस्टिंग बोलते इंटरेस्टिंग नहीं दिखते हैं। इंटरेस्ट क्या बोल रहा पता नहीं चल रहा, वो तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखता है। चलो अभी सीधा घर पर मिलता हूँ, काम तमाम। यहाँ पर जो आते जाते हैं उन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, डैम के ऊपर नहीं जा सकते ठीक है ना, सामने से फोटोज खींच सकते हो, और यहाँ पे पास में आके भी फोटोज खींच सकते हो। जैसे कि अपने आए, ये सिंगूर गार्डन है, पार्क है, सिंगूर पार्क। इसका अंदर कुछ भी चार्जेस नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अंदर आओ, वहाँ से अंदर आओ, ऐसे चल के यहाँ से चल जाओ, मैटर क्लोज, सिंपल एंड इजी प्रोसेस ठीक है ना। तो गाइस चलो अभी घर पे मिलता हूँ। हाँ तो गाइस फाइनली घर आ चुका हूँ, और वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताना, वीडियो को जाके फटाफट लाइक कर दो और कमेंट करो, और बाकी तो पूरे इन्फॉर्मेशन में पूरा शेयर कर दिया। और जो भी आपको डाउट्स है आप कमेंट कर सकते हो, जाके इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ये रहा आईडी दिख रहा होगा आपको। और जो भी मेरे चैनल पे नया वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा प्यार दिखाओ, और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय, सी यू।